महावीर नमः। आज हम हमारे पूजनीय चाचा श्री देवेंद्र कुमार जी जैन जिनकी यहाँ पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही कुछ किया। आप जीरा नगर कौंसिल के प्रधान भी रहे, आपने अपने कारोबार को पूरी ऊंचाइयों तक लेके गए, आप अपने परिवार के एक नधड़क व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। हमारे चाचा जी के एक बेटा अनुज जैन और दो बेटियां थी, और वे भी हमें कामना ऐसी है कि जैसे हमारे चाचा जी पूरे समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उनका बाकी का जो परिवार, उनका बेटा, उनका भतीजे, उनके भाई ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और अब जैसे उन्होंने म्यूनसिपलिटी में जब वो प्रधान थे या हमारे जीरा शहर के 25 आदमी को नौकरी पर दिलाया था, और ये भी ऐसे ही हमारे उनके परिवार के बच्चे सब आगे कोई गौशाला को संभाले हुए हैं, कोई किसको संभाले, हर कार्य में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमें यही है, जो भी यहाँ हमारे राजनीति के कोई हमारे दानी सज्जन, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनका परिवार की तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और कामना करते हैं कि ये सब बच्चों पर इतना आशीर्वाद दे के जाएँ कि ये बच्चे उनके कार्य पर, उनके पैर नक्शों कदम पर चलते हुए, उनके ऐसे ही जैसे वो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, कि वह ऐसे ही वो बच्चे भी आगे बढ़े। एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्री देवेंद्र कुमार जैन होना ने अपना समुचा जीवन समाज भलाई दे काम करदियां बसर कीता। आप जी बहुत ही नेख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन, परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन, अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनो करिया करदे सन। श्री देवेंद्र कुमार जैन जी बहुत ही मेहनती सन, आप जी ने अपनी अंथक मेहनत सदका अपने कारोबार विच उन्नति हासिल कीती अते खूब नामना खटिया। आप जी नगर कौंसल जीरा दे साबका प्रधान सन, अते गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता लई आप जी हमेशा ही तत्पर रहंदे सन। श्री देवेंद्र कुमार जैन होना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों सम्राट पैलेस कोटी सिखा रोड जीरा विखे करवाया गया। इस मौके वड्डी गिनती विच समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती। दुर्भिक्ष न पहले प्रजा शांति से
से कहा कहे मन कर सब युग वीर हृदय से देशों तीरथ रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निज आनंद इस मौके वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों उन्हां नूं शरदा दे फुल पेंट कीते। बगीचे में फूल तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए खिलता है, भगवान तो सिर्फ उन्हें अपने पास बुलाता है जो उसे सबसे प्यारा लगता है। आज हम हमारे चाचा जी श्री दुविंदर कुमार जी जैन, जिनको हमारे नगरवासी प्यार से भीमा जी भी कहकर बुलाते थे, सन ऑफ लेट श्री लाला सिद्धुदास जी जैन को श्रद्धांजलि देने आए सभी बहन भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। श्री दुविंदर कुमार जी जैन जीरा निवासी थे, वह 5 भाइयों में से तीसरे नंबर पर थे। आप जीरा नगर कौंसिल के प्रधान भी रहे और आपने जब जीरा नगर कौंसिल के प्रधान बने तो वो कार्य कर दिखाया जो शायद आज तक किसी प्रधान ने मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। 25-30 आदमी आपने चार्ज लेते ही उस समय में पक्के किए, 25-30 आदमी को रोजी रोटी का रोजगार दिया। आप अपने परिवार के कारोबार में बहुत बड़ा सहयोग दिया और कारोबार को ऊंचाइयां तक ले गए। आपने लुधियाना में भी अपना कारोबार जवान रखा था। आप अपने परिवार के साथ 27-28 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। आपका एक बेटा अनूज जैन, 2 बेटियां मोनिका जैन दिल्ली और गीतिका जैन लुधियाना, जो कि काफ़ी नामी परिवारों में अपना व्यावहारिक जीवन व्यतीत कर रही हैं, और आपका ससुराल परिवार परम गुरु भक्त नामी परिवार लाला सोनलाल जी जैन गाड़ी वाले लुधियाना में, जो कि मैं से अशोक जैन शाल नाम से इस परिवार की बात करूँ तो क्या करूँ, इस परिवार ने क्या अपना नाम और स्थान लुधियाना में बना रखा है। मेरे भाई अशोक जी, विपन जी, क्या क्या इनकी तारीफ करूं, क्या क्या कार्य में ये आगे चलते हैं और किस समाज में, हर समाज में ये लुधियाना में ऋणी रहते हैं। खून के रिश्ते से वो मेरे चाचा जी, समाज के रिश्ते से वो मेरी बुआ जी के लड़के, इसलिए क्योंकि पिताजी अपने ननिहाल उन्होंने मतलब साड़ी दादी विद्या देवी जी ने अपने माता पिता को गोद दिए हुए थे। उस वक्त यह बात शुरू हो गई कि कौन अपने पैर पलौठी के लड़के को अपने माता पिता को गोद देता है, क्योंकि पापा जी के पश्चात 2 बुआ जी ने जन्म लिया था। धन है हमारी दादी जी का जिगरा तथा उससे भी बढ़कर मेरे लिए चाचा जी एक आदर्श, मेरे सही मार्गदर्शक तथा मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज मैं जब अपनी ज़िंदगी के व्यतीत हो चुके 45-50 वर्षों को मुड़कर देख रहा हूँ, उस वक्त हमें स्कूल में गर्मी की शायद 42 छुट्टियाँ हुआ करती थी, शायद मेरी हम उम्र के लोग ही यहाँ बैठे होंगे। इन 42 छुट्टियों को मैं जीरा में ही बिताया करता था, वो इसलिए कि देवेंद्र चाचा जी, गुलशन चाचा जी तथा अनिंदा बुआ जी तथा मेरी उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। श्री देवेंद्र कुमार जी जीरा वाले, जैसा कि हमारे पहले वक्ता ने उनके बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें बताई, बड़े ही धर्मनिष्ठ परिवार जीरा से, जो कि अपना 67 वर्ष का आयुष्क्रम होकर विदा ले गए हैं। नगर कौंसिल के प्रधान के पद पर बहुत देर उन्होंने नगर कौंसिल की सेवा की। इन्होंने अपने परिवार को इतना स्नेह दिया, ऐसा प्रेम में बांधा हुआ, ये आप सबके सामने है। कहावत है कि अगर दुख में शामिल हो तो दुख घटता है और खुशी में शामिल होंगे तो खुशी बढ़ती है। आप सब हमारे परिवार के साथ दुख बटाने के लिए आए हैं, आप सबका परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और परिवार की तरफ से एक विनती है, जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं,
तो इस श्रद्धांजलि समारोह के बाद बाहर खाने की व्यवस्था है, तो कृपया सभी भोजन अपनी यथा योग्य इच्छा अनुसार लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे बीच हमारे परम आदरणीय सरदार इंद्रजीत सिंह जी जीरा, साबका मंत्री पंजाब, जो के हमारे अजीज एमएलए कुलवीर सिंह जीरा जी के पिताजी हैं, पंडाल में आ गए हैं, और मैं उनको आते ही बेनती करूंगा कि वो अपने विचार दो मिनट के लिए श्रद्धांजलि श्री देवेंद्र जैन जी को दें। सरदार इंद्रजीत सिंह जी जीरा, साबका मंत्री पंजाब। मेरा वड्डा भी देवेंद्र जैन, साबका प्रधान नेशनल कमेटी जीरा, जो पिछले दिन सानू सारे अंतम छोड़ा दे गया है, उनकी अंतम अरदास सारे रिश्तेदार साख संबंधी कत्तर हुए हैं। अज सारे जैन परिवार को बड़ा कह दस है, सदमा है सारे ही रिश्तेदार, क्योंकि परिवार एक फलवाड़ी की तरह होता है, बगीचे की तरह, तो जदों बगीचे के विचों कोई पक्का फुल भी टुटे नेरी झखड़ावे तो असं टाणी वाल देखिए तो टाणी सिमदी, पर जदों जे कच्चा फुल टुट जाता, मैं कहना एक कच्चा फुल सी 66 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होगी, असं समझते हैं कि 80 साल तो उपर है फिर तो पक्के हैं, चला गया उम्र फटा ली, पर 66 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं सी, वो फुल जो टुटा है तो अच्छ साढ़े सारे के मन भरे हुए हैं, पर यह समा है, तीन सस्से ने समा सुखान के सबब, यह तीन चीज़ा नियत ने, ये कदों लिखिया जाए जो पुरानी दुनिया के आया नहीं होती, उस वक्त नियत हो जाती ने कि के समा होना है, की सबब बनना है, तो कि स्थान होना। साढ़े जैन परिवार ने बहुत ही मेहनत करके उन्होंने जिते जीरे के आपका परिवार का नाम बनाया से उत्थे लुधियाने जाके भी उन्होंने सारे परिवार का नाम उच्चा किया, बड़ी मेहनत की, पर अज साढ़े च नहीं रहे, इस करके सारिया को दुख है। मैं इलाके का सेवादार होने के नाते तुसी पंजाब के कोने कोने रिश्तेदार सज्जन मित्र आए हो, मैं तुहानू सारिया जिया कहना धन्यवाद करना, क्योंकि सियाने कहते हैं दुख में शामिल होइए तो दुख घटता है, तो खुशी में शामिल होइए तो खुशी बढ़ती। अज तुसी साडे परिवार के जीरा परिवार के जैन परिवार के दुख को घटाने सारे इत्थे आए हो, तुहाडा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भी यहाँ परिवार की तरफ से बार बार निवेदन है, आप जो भी यहाँ आए हैं परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया खाना ये प्रसाद जरूर लेके जाएं।